नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। आरक्षण की बात होती है और हर दल इस आरक्षण को सपोर्ट करता है कई मायनों में। कुछ ऐसा ही आरक्षण की बात छिड़ी हुई है 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बिहार में कुछ सीटें हैं आरक्षित और हर कोई अपनी दावेदारी को पेश करता है अपने जाति समीकरण के हिसाब से। ऐसे में हाजीपुर जो हॉट केक बना हुआ था बिहार की राजनीति में, कारण कि रामविलास पासवान यहाँ से रिकॉर्ड वोट से जीतते आते हैं और हर चेहरा अपने समुदाय का उस वोट बैंक पर राजनीति करना चाहता है। खैर, रामविलास पासवान इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो चुनाव लड़ने की बात हो रही थी तो महागठबंधन में हाजीपुर को लेकर होड़ लगी हुई थी। इस होड़ में एक दिल तो टूट गया है, वो दिल है रमई राम का। रमई राम पिछले कुछ दिनों से लगातार राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें डेट नहीं मिला। और जब मुलाकात हुई एक बार तो उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि हाजीपुर सीट उन्हें इन दो व्यक्तियों द्वारा नहीं दिया गया। खैर, जिस तरीके से सारी पार्टियां जा रही थी झारखंड लालू प्रसाद यादव से मिलने, जो इस वक्त झारखंड के रिम्स अस्पताल में एडमिट हैं, और कहा जा रहा था कि लालू यादव जिस पर मुहर लगाएंगे टिकट उन्हीं को मिलेगी, इस आस से शनिवार को यानी कि आज रमई राम मुलाकात करने गए थे लालू प्रसाद यादव से। और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए एक फॉर्मेलिटी होती है, पर्ची लिखवा कर अंदर भेजवाना होता है, और फिर जब लालू इच्छुक होंगे, अगले जो पर्ची लेकर जाएगा उसे हाँ बोलेंगे, तभी जो मिलने आया है उनसे मुलाकात की जाएगी। जब पर्ची रमई राम ने अंदर भेजवाई तो लालू यादव ने ना कहा, यानी कि मुलाकात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ये जानकारी बाहर खड़े पुलिसकर्मियों ने रमई राम को दी, जिसके बाद उनका हाजीपुर से चुनाव लड़ने का सपना टूट गया। रमई राम LJD के प्रदेश अध्यक्ष हैं। खैर, रमई राम से पहले LJD के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद यादव, उनके ऊपर खुद तलवार लटकी हुई है, क्योंकि मधेपुरा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी सीट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। ऐसा ही हाल है पूरे महागठबंधन का। हर व्यक्ति और हर पार्टी चाह रही है कि एक इच्छुक जो सीट है उनकी वो मिल जाए, लेकिन इतने घटक दल हैं वहाँ कि हर प्रत्याशी अपना दावेदारी वहीं पेश कर रहा है जहाँ उसी घटक दल के अलग प्रत्याशी अपना दावा पेश कर रहे हैं। मधेपुरा से शरद यादव टिकट लेना चाहते हैं, कांग्रेस के टिकट पर पप्पू यादव मधेपुरा से टिकट लेना चाहते हैं, LJD भी महागठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस भी महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में रमई राम का जो आरक्षित सीट पर दावेदारी वो पेश कर रहे थे हाजीपुर से, खैर उनका ये सपना टूट गया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस आरक्षित सीट पर किसकी दावेदारी होती है, क्योंकि कुल 6 आरक्षित सीटें हैं बिहार में और लगभग सारे आरक्षित सीटों पर मुहर लगा दी गई है। हाजीपुर अभी भी हॉट केक बना हुआ है। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और भारत के साथ खास तौर पर बिहार की राजनीति से जोड़े रखेंगे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।